फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इग्लू का कुछ इस तरह से है फ्रंट का, और यहाँ से गाइस दरवाजा है। तो गाइस मैं अंदर से दिखाता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग भी गाइस मैंने शुरू कर दिया है, और टाइम हो रहे हैं सुबह के 10:30। तो आज का ब्लॉग गाइस काफ़ी सही होने वाला है। और अभी जा रहा हूँ मैं हर्षिल, तो हर्षिल मैं भी दिनेश भाई के साथ जा रहा हूँ जो मेरे मौसी का लड़का है। और अभी आया हूँ गाइस ट्रॉली पे, तो एक आदमी पार जा रहा है, तब तक थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। और अभी मेरे साथ ना गाइस जेकी भी आ गया था। इन कुत्ते की खासियत ना, जैसे कोई भी हमारे घर से कहीं जा रहे होंगे, मतलब बाजार या कोई गंगोरी, यहाँ ट्रॉली तक ना गाइस हमेशा ही आएगा। तो अभी मेरे साथ जैकी आया था, और अभी मुझे ट्रॉली वापस खींचनी पड़ेगी। तो गाइज़ अभी चलते हैं फटाफट। सो गाइज़ ट्रॉली तो मैंने खींच लिया है, और अभी थोड़ा ट्रॉली के बीच में रेस्ट कर रहा हूँ। और ट्रॉली खींचने में गाइज इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, पार तक खींचना है मैंने, तो कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको खींचते खींचते। और एक बार जो यहाँ से व्यू देख रहे होंगे गाइज़ कैसा आ रहा है, पूरा का पूरा नीचे नदी का, और यहाँ से ऊपर भी। गाइज़ मेरा फ़ोन ना गिरे नीचे, देख ही रहोगे तो मिलेगा भी नहीं मेरा फ़ोन। तो गाइज़ सीधा आपको उधर ही पे मिलता हूँ फटाफट। सो गाइस पहुंच चुका हूं हर्षिल, और मैं ना डायरेक्ट आपको इस जगह पे लेके आ गया हूं। और ये पीछे देख रहे होंगे गाइस, ये ना बहुत बड़ा पत्थर है, और मैं ना इसके पीछे हूं। यहां पे गाइस इतनी ज़्यादा हवा चली है ना, मेरी एकदम से सीधा सांस बंद हो रही है। और यहां पे ना गाइस जो ठंड हो रही है ना, बस क्या ही बोलूँ मैं आपको, हाथ मेरे ना एक सुन हो गए सीधा। मैंने ना गाइस टोपी भी पहन रखी थी, और वीडियो बनाने में काफ़ी कुछ अलग सा फेस दिख रहा था, मैंने टोपी हटा दी। तो गाइस एक बार यहाँ का व्यू भी चेक करिए तो कैसा आ रहा है पूरा का पूरा। और सामने पे देख पा रहे होंगे गाइस, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रखी है, और हर्षिल में भी गाइस 2-4 दिनों में बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाएगी। और हवे से ये झंडे देख रहे होंगे गाइस कैसे लहरा रहे हैं। और यह है गाइस नदी जो ऊपर से आती है, और यहाँ पर भी गाइस एक बार जगह देख रहे होंगे कैसी है यहाँ पर। और ये पत्थर देख रहे होंगे गाइस पूरे छत के रूप में लग रखी है टेढ़े। और यहाँ पे गाइस इतनी ज़्यादा तेज़ हवा लग रही है ना, चल रही है मतलब। और यहाँ पे गाइस कैंपिंग करने में ना क्या ही मज़ा आएगा, एक बार सोच के देखिए। और यहाँ से जो सामने का पहाड़ों का व्यू दिखता है कुछ इस तरह से देख रहे होंगे गाइस। तो गाइस तुम्हारे भाई को जुकाम तो हो गया है, वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, उस हवा से तो मुझे जुकाम हो गया है। और यहाँ पे बैठ के बस धूप ही सेक रहा था। पीछे देख रहे हो गाइस यहाँ पे ना कुर्सी टाइप की लगी हुई है, और यहाँ पे ना गाइस इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, धूप का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हो गाइस क्या ही लग रहा है पूरा का पूरा, ये देख रहे हो गाइस आसमान पूरा नीला नीला है, और इसके बारे में गाइस अभी बताऊँगा मैं। और यहाँ पे ना गाइस मंदिर भी है मेरे पीछे, ये देख पा रहे होंगे, तो मंदिर का नाम तो मुझे पता नहीं है, जय भगवान। और यहाँ पे गाइस ना सूरजमुखी के फूल भी है, देख ही रहोगे कैसे सूख गए हैं। आजकल ना गाइस सर्दियों का टाइम है, तो पूरे फूल पेड़ पौधे यहाँ सूख गए हैं, और पत्ते देख रहे होंगे गाइस कैसे सूख रखे हैं। आवाज़ देख रहे होंगे गाइस कैसी आ रही है। और यहाँ पीछे ना गाइस सेब के पेड़ भी है, ये देख रहे हो गाइस इनकी ना गाइस कटिंग कुटिंग कर दिया है। तो यहाँ ना गाइस सेबों के पेड़ की ना बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, कटिंग कुटिंग करके दवाई दवाई सब छिड़क दिया है।
और अभी मैं पीछे का कैमरा ऑन कर देता हूँ, यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। सबसे पहले ना गाइस ये वाला मंदिर देख लो और मंदिर के पीछे ये बर्फ वाले पहाड़ देख लो, तो देखने में गाइस काफ़ी सही लग रहे हैं। और ये है गाइस मकान जो काफ़ी पुराना है, तो कुछ लकड़ी से इस तरह से बना रखा है और ऊपर चादर पड़ रखी है। यहाँ ना गाइस इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है ना, तो आपको तो पता है गाइस स्नोफॉल का इतना ज़्यादा वजन हो जाता है ना, तो इसीलिए इन्होंने ना चादर के मतलब छत ढाल रखी है। और गाइस यहाँ इतने सारे सेब के पेड़ हैं, देख ही रहोगे। और यहाँ पे ना गाइस ये वाला मकान देख पा रहे होंगे जो पेड़ों के पीछे है, ये ना गाइस 200 साल पुराना मकान है। मैंने अपने भाई लोग से पूछा तो एक दो गांव वालों से भी पूछा, वो बोले थे 200 साल पुराना है। तो गाइस अभी दिखाऊंगा मैं इस मकान का आगे का फ्रंट का व्यू कैसा आता है। और ये है गाइस होटल जो टूरिस्ट के लिए बना रखे हैं, यहाँ ना गाइस काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और इन पहाड़ों का व्यू एक बार देखो गाइस कैसा आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है ना गाइस इन पहाड़ों को बस देखता ही रहना है। और यहाँ पे है गाइस इग्लू जो अभी दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पे भी गाइस पता नहीं ये क्या है, ये भी होटल ही टाइप के बन रहे हैं, अभी तो गाइस पूरे बने नहीं है। तो कुछ इस तरह से है गाइस इग्लू, और इनके ऊपर ना गाइस अगर बर्फ़ पड़ी ना तो लगा लो गाइस देखने में क्या ही लगेंगे पूरे के पूरे। और यहाँ ना गाइस कुछ इस तरह से मैदान है, पत्थर भी गाइस काफ़ी सारे हैं, तो गाइस अभी उधर ही लेके चलता हूँ मैं आपको। रास्ता तो गाइस बिल्कुल भी ठीक नहीं है यहाँ से। और ये है गाइस पानी, तो इसके ऊपर गाइस इतना पाला पड़ रखा है ना, तो मैं पत्थर फेंक के दिखाता हूँ यहाँ से। ये देख रहा हूँ गाइस पत्थर से भी नहीं टूट रहा है, थोड़ा बड़ा पत्थर फेंकता हूँ, बड़े पत्थर से भी नहीं टूट रहा है गाइस। इसी से लगा लो गाइस हर्षिल में इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है, अब 2-4 दिनों में ना गाइस बर्फ़ भी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ना गाइस इग्लू का कुछ इस तरह से है फ्रंट का, और यहाँ से गाइस दरवाज़ा है। तो गाइस मैं अंदर से दिखाता हूँ, अंदर तो खुला नहीं है, बाहर बाहर से दिखाऊँगा, पता नहीं गाइस किसका है, बोले ना मुझे कोई। और ये है गाइस सीढ़ियाँ, तो अभी चढ़ते हैं सीढ़ी से ऊपर। और अंदर का जो गाइस है ना बस देख ही रहोगे, ये है गाइस लकड़ियों का, तो ये बाहर से कुछ प्लास्टिक टाइप की दिख रही है ना, तो धुंधला टाइप का दिख रहा होगा आपको। और यहाँ ना गाइस सीढ़ी टाइप की बना रही है अंदर लकड़ियों से, और दरवाज़ा भी दिखा दूँ गाइस मैं। और यहाँ पे गाइस इतनी हवा चल रही है ना, हवा की आवाज़ सुन ही रहा हूँ मैं कैसी आ रही है। और यह है गाइस दरवाज़ा जो देखने में ना गाइस काफ़ी सही लग रहा है पूरा का पूरा। और यहाँ पे गाइस दरवाज़ा भी गाइस काफ़ी सही है, और यहाँ पे भी गाइस 2-4 और हैं ऐसे, और वहाँ पे भी बन रहे हैं। तो सेब के पेड़ देख रहे गाइस कितने बड़े बड़े हैं, और वहाँ पे भी है। और ना ये गाइस ये वाला इग्लू आधा बन रहा था, तो इतनी ज़्यादा ठंड होगी है ना, जो लेबर लूबर है वो सब चले गए हैं। और यहाँ से भी दिखा दूँ मैं गाइस कुछ, और अंदर ना गाइस काफ़ी सही से डेकोरेशन किया जाएगा। और ये है गाइस खिड़की जो देख ही रहेंगे, काफ़ी बड़ा है गाइस। और यहाँ से गाइस कुछ इस तरह से व्यू आता है। तो गाइस मैं यहाँ से आ गया हूँ, यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना, ठंडी हवा से मेरी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो अभी चलता हूँ कमरे पे और वाला मकान दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे ना गाइस बस क्या बोलूँ मैं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना। और हर्षिल में गाइस इतनी खूबसूरत जगह है ना, एक बार ना गाइस ज़रूर आइए। और ये पानी देख रहे होंगे गाइस, ये पानी भी इतना ठंडा है ना, बस जैसे मैं गाइस सुबह सुबह इधर मुँह धोने आता हूँ ना, बस ऐसा लगता है ना गाइस क्या हो गया है मुझे, इतना ठंडा ठंडा पानी है। ये है गाइस वो 200 साल पुराना मकान देख ही रहेंगे, और ये है गाइस 3 मंजिला मकान है, और देख ही रहे गाइस कैसे लकड़ी से बन रखा है पूरा का पूरा। और इसकी कंडीशन देखे ना गाइस ऐसा लग रहा है कि 200 साल पुराना मकान होगा। और यहाँ से है गाइस सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, और ऊपर के जो देख रहे होंगे गाइस कैसा बना रखा है। और यहाँ से भी दिखा दूँ मैं गाइस अंदर को, यहाँ से भी गाइस काफ़ी सही है इसका पीछे का व्यू जो मकान का आता है। ये गाइस इधर से कुछ इस तरह से व्यू है, पूरा लकड़ी लकड़ी का है, ऊपर देख रहे होंगे लकड़ी की रेलिंग बनी हुई है, तो उधर तक है पूरा ऐसे ही। तो गाइस मौसम तो हो गया है ख़राब, उधर उधर साइड तो गाइस बर्फ़ पड़नी भी लग गई है, देख ही रहोगे ये सामने सामने वाले पहाड़ में। और तो गाइस इधर ना थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ने लगी है, और शाम तक मेरे ख्याल से पड़ी जाएगी। और मेरे साथ ना गाइस दीपक भाई भी था, और
इसने भी गैस पूरी स्वेटर स्वेटर पहन रखी है, ठंडा है इतना ज़्यादा है ना। मैंने गैस चार कपड़े पहन रखे हैं, एक तो अंदर से पहन रखा है, एक ये वाली बंडी देख ही रहोगे, और एक बाहर से स्वेटर और एक ये जैकेट है और मफलर। गैस अगर इधर स्नोफॉल हो जाएगी ना तो काफ़ी सही हो जाएगा। अगर रात को अच्छी तरह से स्नोफॉल हो जाएगी तो मैं कल एक और ब्लॉग बनाऊँगा, और वाला ब्लॉग ना गैस इस वाले ब्लॉग में नहीं जोड़ूंगा, ये ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। तो गैस वीडियो का एंड भी करते हैं। तो गैस कुछ इस तरह का आज का पूरा ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही ब्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।